छत्तीसगढ़ में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। 9 फरवरी यानी कि कल छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। इस बजट से शहर के लोगों की उम्मीदें बढ़ गई हैं, क्योंकि बजट में युवाओं को रोजगार कौशल विकास से जोड़ने पर फोकस रह सकता है। केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं पर साय सरकार का फोकस है। बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी बड़ी प्राथमिकता के रूप में सामने आने की भी उम्मीद है। मध्यम वर्ग नौकरी पेशा लोगों की निगाहें खास तौर पर इस बजट पर है। मध्यम वर्ग टैक्स में छूट और महंगाई से राहत मिलने की आस संजोए है। आइए आपको बताते हैं कि बजट को लेकर क्या राय है छत्तीसगढ़ के लोगों की। कल अपना पहला बजट पेश करेगी बतौर वित्त मंत्री ओपी चौधरी सदन में बजट पेश करेंगे। बजट में क्या कुछ खास रह सकता है, क्या कुछ उम्मीदें जो लोगों को हैं, हमारे साथ यहां पर बात करने के लिए स्टूडेंट्स भी हैं और महिलाएं भी हैं, उनसे हम बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि कल जो बजट आ रहा है उस बजट से क्या चाहते हैं आप लोग। कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे छत्तीसगढ़ का, क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बजट से, क्या चाहते हैं? सर, हम ये चाहते हैं कि जो अभी बेसिक चीजें हैं जैसे एलपीजी गैस है, उस पे जो सरकार ने बोला है कि सब्सिडी देंगे वो मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा रेट हो चुका है। नॉर्मल 1100 तक है, अभी फिलहाल 980-990 रेट चल रहा है, तो सब्सिडी मिलना चाहिए जो अभी हमको नहीं मिल रही है। और बहुत सारी महंगाइयां हैं, उसे भी थोड़ा कम करें सरकार से, हम यही उम्मीद है कि बजट में थोड़ा हमारा ध्यान रखेंगे। महंगाई कम होनी चाहिए ये उम्मीद कर रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, कल बजट आ रहा है छत्तीसगढ़ का, क्या उम्मीदें कर रहे हैं इस बजट से? सर, अभी तो मोदी जी की सरकार है और हम चाह रहे हैं कि एजुकेशन के मामले में भी काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। ऑल दो काफी चेंजेस आ रहे हैं, पर जैसे नई एजुकेशन पॉलिसी है तो उसमें बहुत सारी स्कॉलरशिप जनरल को भी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो जनरल है पर उनकी जो अभी फाइनेंशियल कंडीशन है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। एज वेल एज अगर हम देखें तो पेट्रोल के दाम काफी बढ़ चुके हैं और लोगों को इस वजह से काफी समस्या हो रही है। वैसे लोगों ने काफी कोशिश कर ली है कि उसके साथ गो थ्रू कर ले, पर फिर भी पेट्रोल का दाम बढ़ गया। एज वेल एज वो जो ट्रैवलिंग का एक्सपेंसेस है लोगों की, जितना वो कमा नहीं रहे उससे ज्यादा उनके एक्सपेंसेस जा रहे हैं ट्रैवलिंग में। और घर का अगर हम नॉर्मल बात करें तो आजकल के केस में हम कह सकते हैं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो चुका है। तो जो अनएम्प्लॉयड है, एजुकेटेड लोग हैं, उनको जो 2500 की बात की जा रही है उसको थोड़ा और बढ़ाने की कोशिश की जाए और एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड किया जाए। बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की भी मांग इस बजट से जो है लोग कर रहे हैं, आपसे समझना चाहेंगे आप क्या उम्मीदें कर रहे हैं कल बजट से, क्या मिलना चाहिए छत्तीसगढ़ को? सबसे पहले तो नई सरकार आई है और वित्त मंत्री जो हैं, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की मैं बात करूं, जो कल बजट पेश करेंगे श्री ओपी चौधरी सर, उनसे बहुत उम्मीद है। यूथ आइकॉन भी हैं, सब जितने यूथ हैं उनको एक आइकॉन के रूप में देख रहे हैं और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का जो बजट है वो अच्छा बजट आएगा। और जो मुख्य मुद्दे हैं बेरोजगारी है उस पर काम करने की आवश्यकता, स्व सहायता समूह एक बड़ा मुद्दा है, महिलाओं का अगर सशक्त करना है तो स्व सहायता समूह के लिए अलग से बजट होना चाहिए ताकि महिलाएं जो रोजगार उनको मिल सके और सशक्त हो सके। साथ ही साथ बजट जो है वो बेसिक नीड्स पे अगर हो तो ज्यादा बेहतर होगा, बेसिक नीड्स पे बजट हो ये उम्मीद कर रहे हैं। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानना समझना चाहेंगे, आप युवा हैं क्या चाहते हैं सरकार से? जी सर, बीइंग अ स्टूडेंट मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी बजट में हो तो हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचे सरकार। रायपुर में आईटी हब्स की कमी है तो आईटी हब अगर डेवलप कर देते हैं तो हमारे स्टूडेंट्स का बहुत भला होगा और खासकर हम जैसे आईटी स्टूडेंट्स को छत्तीसगढ़ से बाहर जाना पड़ता है अपनी जो भी है जॉब पर्पस के कारण, अगर छत्तीसगढ़ में ही अवेलेबल हो जाए ये सारी चीजें तो हमारे लिए तो बहुत बेहतर होगा। आप क्या चाहते हैं कल बजट आ रहा है? मैं चाहती हूँ कि जैसे कि हम नए रायपुर में नए कंपनीज आए जिससे हम लोग को वर्क मिले, क्योंकि अभी हम लोग यूथ पढ़ाई कर, अब आगे हम लोग के जॉब को देखने के लिए नए कंपनीज बने, फिर हम लोग को उसके लिए जॉब मिले। बिल्कुल, ये युवा जिन्होंने अपनी बात रखी और युवाओं की खास तौर पर ये मांग है कि नया रायपुर में जो है कंपनी जो आईटी हब वहां पे बनाया जाना था उस पर काम किया जाए, साथ ही महंगाई कम करने को लेकर भी यहां पर बात हो रही है। अब देखना होगा कि कल जब वित्त मंत्री ओपी चौधरी अपना बजट पेश करेंगे तो उनके पिटारे से छत्तीसगढ़ के लिए क्या क्या निकलता है। कैमरामैन इकराम के साथ स्वप्निल गौरखेड़े, INS News।